नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। आपके जेहन में जरूर यह सवाल उठ रहा होगा कि भारत में वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी है, यह वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगा और यह कैसे इस्तेमाल में आएगा 135 करोड़ लोगों के। तो आज जब भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन सामने आए और उन्होंने बताया कि भारत में वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी चल रही है। In this situation, there are many vaccine efforts in India, which I will give you some examples. They broadly fall into four categories. Kin-kin tarah ke vaccine ho sakte hain? Ek to, they are called mRNA vaccines. This is the virus ka genetic material ka ek component leke, usi ko aap inject kar lete hain. Wo hamare shareer usko translate karke viral protein banati hai aur immune response tayar hoti hai. Jab virus aati hai, तब वो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार है। दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्यूएटेड स्ट्रेन से बनाया गया, जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती। उस तरह के वैक्सीन्स भी होते हैं, कोविड 19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं, तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। ये चार तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये चार तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देश में?